हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं अनुज यादव सर, आज आप लोगों के लिए प्रीपोजिशन का थोड़ा टॉपिक लाया हूं। तो पिछले वीडियो में प्रीपोजिशन में मैंने आपको बताया था ओवर, एबव, अंडर एंड बिलो, ये चार। क्योंकि प्रीपोजिशन के ऐसे मैं छोटे छोटे टॉपिक्स इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि ये जो भी छोटे छोटे टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे कन्फ्यूजन देने वाले हैं और इनमें स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी विद्यार्थी जो मेरे हैं वो कन्फ्यूजन में ना रहें। उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक छोटा सा मेरा प्रयास है कि मैं आप लोगों के बीच में इन सारे टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा करके क्लियर करूँ। तो आज का टॉपिक मैंने चुना है अप, अपॉन और डाउन, ये तीन टॉपिक हैं। तो तीन टॉपिक है तो तीनों का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, कैसे होता है, ये आपको समझना है। तो पहले तो आप ये समझिए कि अप एंड डाउन ये क्या होता है। ये हमारा अप है और ये डाउन। तो आप लोग जानते हैं ना कि हमारे भारत देश में बहुत अधिक मात्रा में बहुत अधिक हैं पहाड़ों की संख्या। तो ये भी आप जानते होंगे कि जितने पहाड़ जो भारत में हैं उन सारे पहाड़ों के ऊपर मंदिर भी होता है, ठीक है। तो लगभग पहाड़ जो हमारे भारत देश में पाए जाते हैं उसके ऊपर मंदिर होता है, ठीक है। तो मैं इसको एक उदाहरण के माध्यम से क्लियर करना चाहता हूँ अप एंड डाउन को, कि मान लिया जाए कि ये हमारा पहाड़ है, ठीक है। अब इस पहाड़ के ऊपर एक मंदिर हमारा है, समझना है बात कि ये हमारा एक पहाड़ है, उस पहाड़ के ऊपर एक मंदिर है। अब मंदिर के ऊपर एक साधु बैठकर तपस्या कर रहा है, मंदिर के ऊपर एक साधु बैठकर क्या कर रहा है, तपस्या कर रहा है। और नीचे में एक दूसरा साधु भी खड़ा है कि कब वहां से हटे कि ये भी ऊपर की ओर जाए। इस प्रकार से सीढ़ी बना हुआ है, सीढ़ी बना, ठीक है। तो ध्यान देना है यहाँ पर क्या कि जब ये साधु अपना तपस्या पूरा करके नीचे की ओर जाएगा, ठीक है, तो ये नीचे की ओर जब जाएगा तो ये डाउन की ओर जाएगा, ठीक है। और जब ये साधु ऊपर की ओर जाएगा तो ये जाएगा अप की ओर। अप डाउन ये समझना है, जब नीचे से ऊपर की ओर हम चढ़ते हैं तो वहां पर अप का यूज होता है, जब ऊपर से नीचे की ओर हम आते हैं तो ये हमारा डाउन की ओर होता है। ये समझना है पॉइंट को, ऊपर अप नीचे डाउन, ठीक है। तो यहाँ पर देखना क्या है कि हमने क्या कहा कि जब एक साधु नीचे से ऊपर की ओर चढ़ेगा तो वो अप की ओर जाएगा, ठीक है, और जब वही साधु दूसरा साधु नीचे से ऊपर से नीचे की ओर जाएगा तो वो डाउन की ओर जाएगा। तो इस बात को एक बार थोड़ा सा 2 सेकेंड के लिए आप लोग देख के समझिए, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखना क्या है कि जब नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर से नीचे जाएगा तो इसमें क्या क्या हो सकता है। तो यहां पर देखो क्या हो सकता है कि इसमें सबसे पहला बात मोशन होगा, यानी कि जब यह नीचे से ऊपर की ओर जाएगा तब इसमें मोशन होगा, ऊपर से नीचे की ओर जाएगा तो भी इसमें मोशन होगा, यानी मोशन तो दोनों स्थितियों में है। यानी जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी निचले स्थान से ऊपर स्थान की ओर बढ़ता है, ठीक है, तो और उसमें मोशन भी मौजूद हो तो ऐसे स्थिति को नीचे से ऊपर के लिए अप का यूज करते हैं, और जब ऊपर से नीचे की ओर मोशन के साथ आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, डाउन कहते हैं। तो इससे बहुत सारे एग्जांपल मैं क्लियर करूंगा आपके साथ, ठीक है। जैसे यहां पर देखिए कि अब बच गया हमारा क्या, अपॉन। तो अपॉन क्या है ये भी समझना है आपको, ये तो फिगर मैंने दिया है, ठीक है, अपॉन का भी फिगर बना ही देता हूं। मान लिया जाए कि एक बिल्ली है, ये एक बिल्ली है, ठीक है, और इसके पीछे एक शेर है, ठीक है। ये बिल्ली है, इसके पीछे कुत्ता है मान के चलो, ठीक है। तो यहां पर देखना क्या है ना कि
बिल्ली भाग रही है, उसके पीछे कुत्ता दौड़ रहा है, क्या करने के लिए? उसको जाहिर सी बात है, खाने के लिए। तो यहाँ देखना क्या है ना कि जब ये इसके पीछे भाग रहा है तो एक समय ऐसा आएगा कि ये जंप करेगा और इस बिल्ली को दबा देगा। तो बिल्ली को दबा देगा तो हम यहाँ पर यूज करते हैं इस क्रिया के लिए अपॉन, क्योंकि यहाँ से ये अप किया, अप, और उसके बाद इसके ऊपर आ गया या हो गया क्या ऑन, यानी इसको कहते हैं हम क्या अपॉन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि अपॉन में क्या होता है ना, नीचे से ऊपर की ओर चढ़ता है और जंप मारता है, जंप मारते है उसके ऊपर जाके बैठ जाता है, तो ये होगा क्या अपॉन। जैसे मान लिया जाए कि किसान जब हल जोत रहा था तो एक मेढक उस ऊपर उछला, ठीक है, तो व्हाइल द फार्मर वाज प्लॉगिंग द फील्ड अ फ्रॉग जंप्ड ऑन हिम या अपॉन हिम, ये सोचने वाली बात है। तो फ्रॉग क्या क्या, नीचे से अप हुआ और उसके ऊपर गया किसान के ऊपर, तो ऑन हो गया, यानी वहां पर अप का यूज केवल नहीं होगा बल्कि वहां यूज होगा क्या चीज का, अपॉन का। ठीक है, मैंने क्या कहा कि व्हाइल द फार्मर जंप्ड, सॉरी व्हाइल द फार्मर प्लॉगिंग द फील्ड ए फ्रॉग जंप्ड अपॉन हिम, ना कि ऑन हिम। ठीक है, तो अपॉन में अप भी होता है ऑन भी होता है, अप मतलब उछलना, ऑन मतलब किसी के ऊपर उछलना। तो ये मैंने आपको अप अपॉन डाउन ये दो चीज क्लियर किया मैंने। तो कभी कभी देखते होंगे कि बैठते जब सीटिंग करते हैं तो अप ऊपर डाउन नीचे, अप ऊपर डाउन नीचे, ऐसा बोलते हैं हम लोग, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि एक फ्रेज होता है इसी से, अप्स एंड डाउन्स। तो अप्स एंड डाउन्स जो होता है ना, इसका मतलब होता है हमारा क्या, उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव। ठीक है, अप्स एंड डाउन्स का मतलब क्या होता है, उतार चढ़ाव। जैसे देयर आर मेनी अप्स एंड डाउन्स इन अवर लाइफ्स, बोलते हैं कि नहीं, हमारे जीवन में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव है, होता है। तो देयर आर मेनी अप्स एंड डाउन्स इन अवर लाइफ्स, तो वहां अप एंड डाउन नहीं बोलना है, वहां क्या होता है अप्स एंड डाउन्स, दोनों प्लूरल फॉर्म में होते हैं, दैट इज कॉल्ड इडियम्स फ्रेज। ठीक है, तो ये उतारिए, आप एग्जाम्पल की ओर मैं बढ़ता हूं। चलिए, जैसे एग्जाम्पल में मैं देता हूं एक को, अ फ्रॉग जस्ट ऑन या अपॉन द टेबल, अ फ्रॉग जस्ट ऑन या अपॉन द टेबल। ठीक है, तो यहां पर देखो कि यहां पर क्या मैंने दिया है, ए फ्रॉग जंप ऑन या अपॉन द टेबल, यानी फ्रॉग जो है वह जंप किया है ना, तो जंप किया किसके किसके ऊपर, टेबल के ऊपर, यानी जंप करेगा तो नीचे से अप होगा और उसके बाद जाके टेबल पर बैठेगा, यानी अप भी हुआ ऑन भी हुआ, यानी यहां पर ऑन का यूज नहीं होगा बल्कि यूज होगा किसका, अपॉन का। ठीक है, दूसरा देते हैं, He fell down the chair. He fell down on the chair. वह चेयर के ऊपर गिरा। तो जो नॉर्मल सी बात है कि हम जब खड़े रहते हैं तो चेयर हमारे नीचे रहती है, यानी ऊपर से नीचे की ओर जब गिर रहा है, ठीक है, तो ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है तो मतलब उसके नीचे गिर रहा है, यानी आपको मैंने बताया था क्या कि जब ऊपर से नीचे का भाव हो तो वहां पर हम यूज करते हैं क्या, डाउन का, और जहां नीचे से ऊपर की भाव हो यहां यूज करते हैं क्या, ऑन, सॉरी डाउन का, अपॉन का। तो यहां पर देखिए क्या है कि
कि डाउन का यूज किए हैं और ऑन का यूज किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डाउन का यूज किया गया है और ऑन का यूज किया गया है। फेल ब्लैंक द चेयर, तो यहाँ पर फेल मतलब नीचे की ओर गिरा ना, तो यहाँ ऑन तो होगा नहीं, यहाँ यूज होगा क्या, डाउन। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं द टाइगर, जंप ऑन या अपॉन द डॉग। टाइगर जो है कुत्ते के ऊपर जंप किया, यानी टाइगर पीछे है, कुत्ता आगे है, और टाइगर वहां से जंप करने के लिए क्या करेगा, पहले अप होगा और उसके बाद कुत्ते के ऊपर ऑन होगा, तो यानी यहां पर यूज होगा क्या, अपॉन। यहां से ऑन को हटा दीजिए, सेंटेंस क्या होगा, सही हो जाएगा, आंसर होगा अपॉन द टाइगर जंप अपॉन द डॉग। अब एक फ्रेज की बात मैंने की थी अप्स एंड डाउन्स, तो होगा क्या, देयर आर मेनी अप एंड डाउन इन आवर लाइफ्स। यहां पर देखना क्या है कि अप एंड डाउन जो दिए हैं ना, ये सिंगुलर फॉर्म में है, ये सेंटेंस हमारा गलत है। जब फ्रेज के रूप में इसको लिखा जाए तो अप एंड डाउन नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, अप्स एंड डाउन्स। हमारे जीवन में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होता है, ठीक है। चलिए, तो मेरे ख्याल से आपको अप, अपॉन और डाउन ये तीन चीज क्लियर हुए होंगे। अब आगे की ओर मैं बढ़ता हूं, तो आगे की ओर में हमारा है इन, इनटू और इनसाइड, ठीक है। तो इन, इनटू, इनसाइड आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। इसी प्रकार से मैं छोटे छोटे वीडियो बना करके आपके थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्लियर कर रहा हूँ, और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। थैंक यू।